हेलो एवरीवन, मैं अजय ठाकुर, डायरेक्टर ऑफ अचीवर क्लासेस हजारीबाग। मेरे बात कर मेरे फ्रेंड्स डायरेक्टर मिस्टर अरुण ठाकुर से। हम दोनों आज हैं इसके साथ साथ जो जे एडवांस के अच्छे रैंकर्स, टॉप रैंकर्स, साथ साथ जो आपका सेंट जेवियर्स स्कूल है, यहाँ का वर्ल्ड फेमस स्कूल है, उसका भी 12 बोर्ड का टॉपर्स और उनके पापा मिस्टर निशांत सर बैठे हैं। आज हम लोग कुछ बात चर्चा करें टॉपर्स व्यू पे। जो हमारा टॉपर्स है, अचीवर्स का टॉपर्स और हजारीबाग का टॉपर्स, उसका क्या सोच है, क्या उसका व्यू है? ये तो अचीवर क्लासेस 2009 से ही टॉपर्स जनरेट करते आ रही है, लेकिन आज 2020 का टॉपर्स है, उसका जो एडवांस का जो टॉपर्स 2020 का जो बना है और जो अभी IIT खड़गपुर में इनका दाखिला भी हुआ मेरा एडमिशन, तो उसके रिगार्डिंग बात करूँगा कि इनका व्यू क्या है, आखिर यार क्या सोचें, 2 साल आपने कैसे इन्जॉय किया अचीवर्स में, फिर मैसेज आप क्या देना चाहेंगे अचीवर्स के स्टूडेंट्स या फिर जे एडवांस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई और आगे शुभकामना भी कि आप बहुत अच्छा करें और मम्मी पापा का नाम रोशन करें, अचीवर्स फैमिली का नाम रोशन करें, हजारीबाग का नाम रोशन करें। लेकिन सबसे पहले मैं सुनना चाहूँगा आपसे कि कृष्णा, कि आप जो 2 साल तैयारी की, ये जो आप 2 साल में बहुत सारा उथल पुथल चल रहा होगा, आपके मन में चल रहा होगा बहुत सारा क्वेश्चन कि हमारे फ्रेंड होता गया, बहुत सारे फ्रेंड्स, मैं आज यहाँ हूँ, मैं अचीवर्स के सहारे में रुका हूँ, आप जो ड्रीम लेकर आए, क्या आज आप वो ड्रीम आप लेकर यहाँ से निकल रहे हो, जा रहे हो, क्या आप क्या फील कर रहे हैं, क्या बताना चाहेंगे? जी हाँ, मेरा ड्रीम था कि मैं IIT में जाकर पढ़ूँ और अचीवर्स क्लासेस में आकर वो ड्रीम मेरा पूरा हुआ है। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया JEE मेन और एडवांस दोनों में, और एडवांस के बाद फिर JEE एग्ज़ाम भी मैंने बहुत अच्छी तरह क्लियर किया और IIT तक मेरा एडमिशन हो गया है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं अचीवर्स क्लासेस को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आपने 2020 में ही 12 बोर्ड भी पास किया, उसमें क्या मार्क्स आता रहा, क्या स्कोर रहा? 12 बोर्ड में मेरा 95.6% रहा और मैं अमंगली टॉपर था सेंट जेवियर्स स्कूल हजारीबाग का। अच्छा, ये आपने कृष्णा प्रकाश से सुना दें कि सेंट जेवियर्स का टॉपर और साथ साथ 20 में ही इन्होंने अपियरिंग में ही IIT खड़गपुर में क्वालिफाई किया। आपसे कृष्णा प्रकाश में ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आप उनके बारे में, कृष्णा प्रकाश के बारे में पता चला है कि IIT से बीटेक करने के बाद UPSC का एक ख्वाब रखते हैं और क्लैट कर। मैं इसे पूछना चाहता हूँ कि आपका लुक्स सुंदर पिजाई ऐसा लगता है, तो आप IIT खड़गपुर से बीटेक करने के बाद आप MS फॉरेंसिक क्यों नहीं करना चाहते हैं US से, और जिससे हम चाहेंगे कि हमारा दूसरा भी कोई माइक्रोसॉफ्ट उस तरह की कंपनी दुनिया में आए तो उसका CEO हमारा, आप ऐसा क्यों नहीं सोच रहे हैं? बहुत अच्छा। मेरा मेन एम है कि मैं इंडिया में ही रहते यहाँ पे ही लोगों की मदद करूँ और मैं जुडिशरी लाइन या फिर IAS बनना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं। अच्छा, तो आप जुडिशरी और IAS की फील्ड में जा, IAS में तो ऐसा क्या काम होता है कि आप मोटिवेट किया कि नहीं आप IAS बन के लोगों का सेवा कर सकते हैं और एक आप इंजीनियर बन के नहीं कर सकते? यार ये तुम्हारा अपना ड्रीम है या आपने मम्मी पापा के ड्रीम, किनका ड्रीम लेकर IAS कौन पर, मतलब तो आपको कुछ फैक्टर फैसिलिटेटेड ही टू बिकम एन IAS कौन ऐसा किया? और उनसे फिर आपने उनसे प्रभावित हुआ, इंस्पायर हुआ, चलिए अच्छी बात है। तो रविशंकर शुक्ला जो अभी देख रहे होंगे आप, थोड़ा कैमरा वहाँ पर मूव करेंगे, तो ये मिस्टर रविशंकर शुक्ला जो DC ऑफ हजारीबाग गए हैं वो देख रहे हैं कि मेरे पार्टनर जो मिस्टर रवि ठाकुर साहब हैं और मैं हूँ, उनको यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि सुपरनोवा अचीवमेंट अवार्ड्स, यानी कि हम लोग यहाँ पे जो कारनामा पिछले 10 सालों से देते आ रहे हैं हजारीबाग के लिए अचीवमेंट्स, उसके लिए हम लोग एक स्पेशल सुपरनोवा अचीवमेंट अवार्ड देते दिखाई दे रहे हैं। तो वो जब हम लोग जब प्राइज़ दिए और उनसे जब मिले, उसका एक इंस्पिरेशन वहाँ से आया कि मैं भी DC हूँ। मुझे ये भी पता है, लॉ से मैं किया हूँ। अच्छा, सिविल सर्विस से, इसलिए तुम उस इंजीनियरिंग करके उस लॉ फील्ड से भी आकर के कर सकते हो। अच्छा, अब मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कृष्णा प्रकाश के पिताजी यहाँ पे हैं, निशांत जी हजारीबाग शहर के एक लीडिंग वकील हैं और ये पहले इंजीनियरिंग ग्रेजुएट भी हैं, इसलिए काफ़ी इस अपने फादर से इंस्पायर पक्के हुए होंगे कृष्णा। ये हम एक बात और बताना चाहते हैं कि आजकल एक स्टेटस सिंबल है और स्टिग्मा भी जिसको कहा जा सकता है, लोगों को लगता है कि नहीं भाई अब बच्चे 10th कर लिया, अगर IIT करना है, मेडिकल करना है, कुछ अच्छा करना है, तो चाहते हैं कि बाहर भेजें और
दूसरा बाहर अगर बच्चे को नहीं भेजता है तो लगता है कि उसको हीन भावना देखता है, जिसके पास कैपेसिटी नहीं है। इस मिथ को मैं पूरी तरह से मतलब ध्वस्त करवाना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसे शख्स हैं जो हर तरह से सक्षम है अपने बेटे को 10th बाद कोटा भेजने के लिए सक्षम थे, कोटा के अपने बेटे को USA भेज सकते थे इंजीनियरिंग करने के लिए और अपने पैसे से, लेकिन इन्होंने उस चीज़ को नहीं किया। तो मैं आज निशांत सिन्हा जी से जानना चाहूँगा कि इन्होंने एचिवर क्लासेस के बारे में ऐसा क्या जाना, और ये विश्वास इनको कहाँ से आया कि अपने बच्चे जो एक ही मतलब इनका एक बेटा है और इसके प्रति इतना कोशिश से करेगा, उसके कैरियर को यहाँ पे एक तरह से दाव लगाना जैसा हुआ लगा लगा है, कि कैसे विश्वास था, क्योंकि आज तो रिजल्ट आ गया है, लेकिन आज से 2 साल पहले ऐसा स्थिति नहीं था। तो ये हम जानना चाहेंगे सर, आप बताया जाए, क्योंकि इससे लोग काफ़ी मोटिवेट होंगे, शहर के भी कई लोग हैं और पूरे लोग। बहुत ही अच्छा सवाल है अरविंद जी। मैं जब ये 8th-9th में पढ़ता था, हालांकि स्कूल तक मैंने इसको खुद ही पढ़ाया कहकर, तो मुझे हमेशा मैं अचीवर्स क्लासेस के ऐड को, इसके न्यूज़ को, इसके जो टॉपर्स बच्चे होते थे उनके बारे में डिटेल पढ़ा करता था, और अजय सर अरविंद सर के बारे में भी जो इंटरव्यू आते थे उसको मैं बड़ा गंभीरता से लेता था, और भी कोचिंग इंस्टीट्यूट थे उनको ही पढ़ता था। इन कंपेरिजन करने के बाद मुझे महसूस हुआ कि अचीवर उन सबसे बेहतर है, और यहाँ पर बच्चे अच्छा कर सकते हैं, इसलिए हजारीबाग में रह के, क्योंकि हमने अपने बहुत सारे रिश्तेदारों और बहुत करीबियों को देखा वो बच्चों को कोटा 10th के बाद भेजा करते हैं, तो बहुत सारे बच्चे निकल भी जाते हैं, लेकिन होता क्या है कि 10th के बाद बच्चों का ब्रेन उतना विकसित नहीं होता, मैच्योर नहीं होते, और उनको इतना अधिक प्रेशर हो जाता है, और एक तो नन स्कूलिंग होते हैं, वो स्कूल के अच्छे रिजल्ट नहीं कर पाते CBSE में, और वहाँ पर उनका खाना रहना हर चीज़ की इतनी परेशानी होती है कि वो पढ़ाई पर कंसंट्रेट बहुत कम ही बच्चे वहाँ कर पाते हैं, जबकि यहाँ पर घर में रह करके हजारीबाग में रह करके हजारीबाग की धरती में यदि इतनी अच्छी कोचिंग की व्यवस्था है अचीवर क्लासेस में, तो हम क्यों ना इन कोचिंग को प्रमोट करें। इसलिए मेरे दिमाग में शुरू से था कि नहीं, मैं अपने बच्चे को 10th के बाद हजारीबाग में रख करके ही मैं DTS या दूसरी जगह भी बाहर भेज सकता था, लेकिन मेरी इच्छा थी कि हजारीबाग में रख करके स्कूलिंग यहीं पर करे और अचीवर्स में कोचिंग करे, क्योंकि अरविंद सर और अजय सर से मैं पहले ये ऐसी बात नहीं है कि जिनसे मेरा पुराना परिचय था, वो ऐसा परिचय भी नहीं था, लेकिन मुझे भरोसा और विश्वास सिर्फ इन लोगों के पेपर कटिंग, इन लोगों के इंटरव्यू वगैरह को देख करके मुझे भरोसा और विश्वास हुआ था, और उस भरोसा विश्वास को एचिवर क्लासेस ने सही पूरा करके दिखाया, और मेरा आज मेरा बेटा IIT खड़गपुर, ये पूरा का पूरा श्रेय मैं एचिवर क्लासेस को देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद, और साथ साथ अभी हम लोगों के तरफ से आगे भी शुभकामना रहेगी, जब पेरेंट्स का ड्रीम हो कि अगर आप जुडिशियरी से या फिर UPSC करना, हम लोगों की तरफ से ये शुभकामना रहेगी कि हमारा कृष्णा प्रकाश आने वाले दिनों में UPSC का भी टॉपर्स बने। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक और बात हम करना चाहेंगे सर से, ये भी काफ़ी टेक्निकल पॉइंट है, पूरे 2 साल पढ़ाई के दरमियान जो बच्चा रहा सर के साथ रहा, अपने पेरेंट्स साथ रहा, हम लोग भी इसको पढ़ाए, इनसे मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कृष्णा प्रकाश 2 साल बाहर रहता तो क्या रिजल्ट संभव था? बिल्कुल नहीं, ये यदि बाहर रहता तो आप जैसे अनुभवी सरों का तो पहला एक गाइडेंस इसको नहीं मिलता, घर से ये बिल्कुल नज़दीक है अचीवर क्लासेस में, ये घर स्कूलिंग करने के बाद आता था और जस्ट खाना खा करके कोचिंग में आ जाता था, कि दूसरी जगह होता ये उसी पर सिर्फ कोचिंग पर रहता, इसलिए CBSE का रिजल्ट अच्छा नहीं होता, स्कूल और कोचिंग और साथ में कंपटीशन की तैयारी इसी पर सिर्फ घर में रह करके ही बच्चे कर सकते हैं, और लोगों की बहुत बड़ी भूल है कि कोटा या दूसरी जगह कोचिंग में भेजें। जो भी हजारीबाग के पेरेंट्स हैं, मैं उन सबसे अपील करूंगा और नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि अपने बच्चों को 10th के बाद अगर रखना है तो हजारीबाग में रखें, और अचीवर में एक बार जरूर पढ़ा करके देखें, क्योंकि मैंने पहली बार विश्वास किया और ये विश्वास सफल हुआ। अब उसमें सर, मैं आपको कई बार हम लोग से बात हुई है, कई बार आप बोले कि बच्चा सर आज इतना देर नहीं पढ़ा, सो गया, हम लोग फोन करके ये खुद ताकीद करते थे सर कि मेरा आज बेटा पढ़ा कि नहीं, क्योंकि हर बच्चा सोचता है लेकिन हर बच्चा उतना सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रहता, बच्चा का ब्रेन शार्प होना अलग चीज़ है, लेकिन अपने को 2 साल तक मोटिवेटेड रखना एक अलग चीज़ है, उसमें पेरेंट्स का जरूरत है, मीन्स ऐसे जो टॉपर है जो फर्स्ट रैंक लाते हैं उनका तो अलग बात है, तो कहीं भी है,
लेकिन जो 95% बच्चे हैं उनको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, प्रॉपर केयर की जरूरत है, और वो पेरेंट्स के अलावा और हम लोग ऐसे कोई बेटर नहीं कर सकते। पेरेंट्स 24 घंटे साथ रहते हैं, तो आप अगर नहीं साथ रहते, आपके साथ नहीं रहता, तो इस तरह रिजल्ट तो मुझे नहीं लगता कि एक्सपेक्ट कर सकता था, क्योंकि हर पक पे अभी तुम इतना देर सोया, उठो और उठ के पढ़ाई करो, ऐसे करो, ये सब चीज़ वहाँ पे मिलता ही नहीं। और एक बार बच्चा डिमोटिवेट होता था, फिसलते कहाँ जाता, वो कोई पकड़ वाला नहीं था। तो ये सर अपना नहीं बता रहे योगदान, मैं बता रहा हूँ कि जितना कृष्णा प्रकाश हमको कभी फोन नहीं किया, सर ये डाउट है, उससे ज़्यादा इसके फादर किए होंगे कि मेरा बेटा सर आज नहीं पढ़ा, आज कम पढ़ा, आज आजकल अच्छे से नहीं पढ़ रहा है, आप लोग इसका केयर कीजिए। तो ये चीज़ें पेरेंट्स साथ में रह के ही कर सकता है। इस बच्चे के रिजल्ट में जितना अचीवर क्लासेस का योगदान है उतना ही सर आपका भी है, और ये आप अपना जो आप त्याग आपका है, जो आपका मेहनत है सफल हुआ, इसी को हम रिट्वीट करते हैं और इसको सलाम करते हैं। लेकिन अगर हमने अचीवर पर और आप लोगों पर भरोसा किया था, तभी तो मैं बार बार फोन करता था, मुझे महसूस होता था कि आप जो इसे गाइडलाइन देंगे उससे बच्चा सही ना आगे बढ़ेगा। हालांकि मैं इसे देखना चाहता था आईआईटी के टॉपर्स के लिस्ट में, मैं कहता था कि अचीवर से मैं टॉपर देखना चाहता हूँ, और जब इसकी मैं रुकना चाहूँगा था भी जिस तरह से अगर ये फॉलो करता तो पक्का रहता, जो आप सोच रहे हैं उतना पक्का रहता। नहीं सर, इसके जहाँ तक है ये बहुत कम पढ़ता है, पढ़ने में समय कम देता है, ये जितना देर भी पढ़ता है बहुत ध्यान से पढ़ता है, कंसंट्रेट होकर के पढ़ता है। ब्रेन ब्रेन मुश्किल से दिन में 3 या 4 घंटे, लोग 8-8, 10-10 घंटे पढ़ते हैं आईटी तैयारी, मुश्किल से 3 या 4 घंटे पढ़ा करता था। और जब इसका रैंक जब अन्य बच्चों की तुलना में आया, ये थोड़ा सा इसको लगा कि मैं डिप्रेशन जैसा, मैंने सिगरेट पर मुक्ति नहीं, तुम्हें आईआईटी में जाना है हर हालत में। मैंने सारा लिस्ट देखा आईटी में किस जगह से जा सकता है, क्योंकि सर पेरेंट्स का रोल है। हाँ, ये आपके साथ रहने से ही हुआ, क्योंकि डिमोटिवेट बच्चे जब डिप्रेस हो जाते किसी वजह से उसको रोकने वाला मिलता है, और ये चीज रोकने वाला बाहर नहीं रह सकता है। इसलिए ऐसे बच्चे, ये बच्चा अगर 8 घंटा पढ़ता, 8-10 घंटा, तो इसको हम लोग आईटी पॉई में जाता, फर्स्ट रैंक और टॉप 10 जो होता उसमें जाता है, जो था इसका रेट। लेकिन उससे फिर भी हम लोग के और आपके और केयर करने से बच्चा आईटी तक पढ़ रहा है, ये अपने आप में बड़ी बात है। आईआईटी एडवांस के बाद हमने देखा कि आईआईटी एडवांस एटी अगर इसको ये क्लियर कर लेता है तो इसका डायरेक्ट आईआईटी में एडमिशन हो जाएगा। तो एटी का सिलेबस हमने तुरंत देखा, एक ही दिन समय था सर, इसमें सिलेबस देखा तो पूरा इंजीनियरिंग ड्राइंग था उसका, और चूंकि मैं सिविल इंजीनियर हूँ तो इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है मैंने तुरंत अपने पुराने बुक्स अपने इसमें से लाइब्रेरी में से निकाले इंजीनियरिंग ड्राइंग के, एक दिन में इसको पढ़ाया सर, और इसका मैं इसके दिमाग की बौद्धिक क्षमता को मैं दाग देना चाहूँगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग जो हम लोग पढ़ते हैं सालों में, वो एक दिनों में इसने पकड़ लिया, प्लान क्या है, एलिवेशन क्या है, सिमेट्रिक व्यू क्या है, प्रोजेक्शन क्या है, एक दिनों में बिल्कुल ये समझ गया, और अगले दिन ये दिया मात्र 100 सीट्स ऑल ओवर इंडिया में उसको, और उसको इसने क्लियर किया, तभी आईआईटी खड़गपुर में इसका एडमिशन। तो इसको महसूस हुआ तो ये बार रिजल्ट तो सर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल कोऑपरेशन का ही है, पेरेंट्स टीचर बच्चे तीनों के चाहने पे ही सब होता है, ट्रायंगल जब मिलता है तभी होता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा सब, और आपको धन्यवाद कि आपने बच्चे के लिए किया, और ये मेरा भी बच्चा है, क्योंकि एक रिजल्ट के लिए जो टीचर पढ़ाते हैं रिजल्ट आता है तो बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, और ये सब चीज़ें तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये रिजल्ट हुआ। हम लोग आगे के लिए शुभकामना दे रहे हैं, और आगे तक जाएगा वो, आईटी में जाने के बाद भी और सोच बदलता है, देखते हैं कि आईएएस बनता है कि क्लैट करता है कि सुंदर ऊंचाई रेलिंग बनता है। चलिए यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट बात सर हम बोले निशान सर कि ट्यूशन का रोल तो होता ही है, तो अभी आप तो सुने उसका जो निशान सर अभी बोले हैं कि टीचिंग तो बहुत जरूरी है, लेकिन साथ साथ पेरेंट्स का रोल बहुत बड़ा है, यानी डिस्ट्रक्शन इस एज में डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा मतलब रखता है। तो हजारी बार में रह के पेरेंट्स के साथ रह के अगर बच्चे तैयारी करें और भी बेहतर परिणाम मिल सकता है। तो ये हमको अभी ने सुना, और डेफिनेटली ये मैसेज आप लोगों के बीच में जाएगा भी, क्या सर ये आपको मैसेज और इनको 100% फॉलो करना चाहिए। तो चलिए मैं फिर हम लोग वापस शामिल होंगे, थैंक यू।